हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल यहाँ पर देखिए मैंने जो सलाई के ऊपर चालीस फंदे लेकर पांच पांच ये देखिए उल्टी लाइन बनकर आई है यानी कि मैंने दस सलाइयाँ सीधी बीनी है दोनों तरफ से मैंने सीधा बिना ये सीधी तरफ है और ये देखिए इसकी उल्टी तरफ तो जब आप दोनों तरफ से सीधा बिनते हैं तो आपका इस तरीके से उल्टी सलाइयाँ बनकर आती देखिए गिन लेंगे तो पाँच सलाइयाँ उल्टी बनकर आई हैं और टोटल दस सलाइयाँ बीनी हमने सीधी सीधी ग्यारहवीं सलाई अब हम बिनेंगे और ये हमारा जो है वो सीधी तरफ ही आएगा तो पहला फंदा हमने सीधा बिना अब यहाँ से हम देखिए अपनी ग्यारहवीं रो शुरू करते हुए पंद्रह फंदों को हम यहाँ पर सीधा सीधा बिल लेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह फंदे देखिए यहाँ पर हमने बिल्ली देखिए छः आठ दस बारह चौदह और पंद्रह पंद्रह फंदे अब इधर से गिनेंगे दो चार छ आठ दस बारह चौदह और एक पंद्रह तो पंद्रह इस तरफ पंद्रह उस तरफ बीच में हमारे दस फंदे रहेंगे देखिए ठीक है ये दस फंदे हैं टेन स्टिच ये वाले हैं फिफ्टीन इस राइट साइड की तरफ और फिफ्टीन लेफ्ट साइड की तरफ अब देखिए दो जो जो हमारे हम टेन स्टिच जो बीच में है दस फंदे जो बीच में इसको हम दो एक साथ बनेंगे दो फंदों को एक साथ फिर यहाँ पर देखिए दो फंदों को एक साथ फिर यहाँ पर देखिए दो फंदों को एक साथ फिर दो फंदों को एक साथ यानी कि दो फंदों का एक फंदा हम बना रहे हैं यहाँ पर देखिए और फिर से यहाँ पर दो फंदों का एक साथ तो हमने यहाँ पर देखिए दस फंदों के पाँच फंदे बना लिए अब हम जो है अपने पंद्रह फंदे सीधे सीधे बिन के कंप्लीट कर लेंगे तो हमने बीच में से पाँच फंदों को घटा दिया तो जल्दी से यहाँ पर हम पंद्रह फंदे सीधे बिन के अब दूसरी तरफ वाले कंप्लीट कर लेते हैं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले तो यहाँ पे देखिए हमारी इलेवन रो राइट साइड की जो है वो हमने कंप्लीट कर ली अब रो ट्वेल्व पर आ जाएंगे हम पूरी ही फंदों को आपको सी सीधी तरफ सीधा सीधा बिन के उतार देना है देखिए पूरे फंदों को आपको सीधा बिन लेना है ये पूरा ही जो सॉक्स है जो बच्चे का मोजा है ये पूरा आपको दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बिनना है कहीं से उल्टी रो नहीं आएगी इसमें तो यहाँ पर हम सभी फंदों को सीधा बिन के उतार लेंगे आने वाली वीडियोस आपके लिए और अच्छी होने वाली होने वाली वाली हैं और हेल्पफुल तो मेरे चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाली वीडियोस मिल जाएंगी और वो आपको जरूर पसंद आएंगी तो यहाँ पर हम सभी फंदों को जो है सीधा बिन के कंप्लीट कर रहे हैं देखिए है, बनाया है जीरो से तीन महीने के बच्चे का यानी कि पैदा होने वाले बच्चे से लेके तीन महीने का जो बच्चा होगा उसको ये सॉक्स बिल्कुल सही आएगा जीरो से थ्री मंथ बेबी के लिए ये मैंने सॉक्स यहाँ पर बनाया है तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लास्ट फंदा है इसको सीधा बिना और इस फंदे को हम लास्ट वाले को जो होता है ये हमारा उल्टा ही बिना जाता है तो रो कम्प्लीट हो गई है हमारी अब रो थर्टीन आ गई है तेरहवीं सलाई आ गई है पहले हम पंद्रह फंदों को सीधा बिनेंगे दो तीन पूरे पंद्रह फंदों को आपको सीधा बिल लेना है खाली से तो जल्दी से सीधा बिल लेते हैं पंद्रह फंदे देखिए यहाँ पर हमने सीधे बीने फिफ्टीन स्टिच जो है हमने सीधे सीधे बिन लिए हैं अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो चार दो चार छ आठ दस बारह चौदह और एक पंद्रह अब पांच फंदे हमारे बीच में बचे तो जिसमें से हम दो फंदों को एक साथ बिनेंगे ये वाले जो दो फंदे इन्हें एक साथ बिनेंगे और एक बीच वाले फंदे को हम सीधा बिनेंगे और फिर दो फंदों को हम एक साथ बिनेंगे यानी कि यहाँ पर हमने दो फंदों को घटा दिया बाकी पंद्रह फंदे जो हैं वो हम सीधा बिनेंगे इन पे हमको सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है सीधा बिन लेंगे और रॉन्ग साइड की रो को उल्टा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे तो दोनों तरफ तो से सीधा ही बिना जाता है यहाँ पे देखिए मैं रॉन्ग साइड की रो भी सीधा बिन के कंप्लीट कर लिया अब रो फिफ्टीन पर आ गए हैं पंद्रवीं सिलाई पर आ गए हैं और हम पंद्रह फंदे फिर से एक बार सीधे बिनेंगे इन शॉन ये जो सॉक्स हैं इनको बनाने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा अगर आप दोनों बनाएंगे और अगर बिगनर हैं तब भी आप इसे बहुत ही ईजिली और जल्दी ही बना लेंगे क्योंकि बहुत जल्दी बनने वाले सॉक्स हैं ये तो यहाँ पे देखिए पंद्रह फंदे देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह पंद्रह अब हमारे तीन फंदे रह गए पंद्रह इधर के फिर तीन फंदे अब जो तीन फंदे हैं ना इनको हम एक साथ बिन देंगे यानी कि तीन फंदों का हम एक फंदा बना देंगे देखिए ये तीन फंदे एक साथ सलाई पे लेंगे और तीन फंदों का हम एक फंदा बना देंगे फिर से हमने दो फंदे घटा दिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब पंद्रह फंदे जो है वो हम सीधे बिन के कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड की जो हमारी सोलवी सलाई है उसको भी हम सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे हमने देखिए फिर से रो को कंप्लीट कर लिया अब हम सत्रहवीं सलाई पे आ गए हैं हमने रेड ऊन कट करके वापस से पर्पल कलर अपना जो हमने नीचे बेस पे लगाया था वही हमने शुरू कर दिया है और हम ये जो सत्रवीं सिलाई है इसे पूरा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे कोई फंदा घटेगा नहीं सत्रवी जो हमारी सतरवीं सिलाई है इस पर कोई फंदा नहीं घटेगा सीधा बिन के आपको कंप्लीट कर लेना है तो यहाँ पे देखिए हमारी रोल जो है कंप्लीट हो गई है इस तरीके से अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे और रॉन्ग साइड की तरफ हम सभी फंदों को उतार देंगे ये हमारी अट्ठारह सिलाई है अट्ठारहवीं सिलाई है और यहाँ पे जो है वो हमारा सॉक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो टोटल एटीन रो का ये सॉक्स कंप्लीट होगा आपका अट्ठारह सिलाइयों पे आपका जो मोजा है ये कंप्लीट हो जाएगा हर दो फंदों को हम एक साथ बिनना देखिए ये वाला बिना फिर इसको मैं सिलाई में ले लिया और फिर इन दोनों फंदों को बिल लिया फिर इस वाले फंदे को दूसरे फंदे के साथ मिला लिया और दोनों फंदों को एक साथ बिन दिया फिर ये जो हमने बिना था उस फंदे को हमने देखिए ये वाले देखिए एक बार ये दो फंदे इन्हें एक पीछे वाले फंदे के साथ एक साथ बीन देना है हर बार दो फंदों को एक साथ बीन देना है आपको इस तरीके से तो आपका जो सॉक्स है वो उतर जो लास्ट फंदे आपके बचेंगे वो पूरा सलाई से उतर जाएगा दोनों फंदों को इस तरह से ले लीजिए एक साथ और दोनों फंदों को बीन दीजिए तो इसी तरीके से हम सभी फंदों को उतार देंगे जल्दी से यहाँ तक तो यहाँ पे देखिए हमारे सभी फंदे जो उतर गए हैं और ये हमारी सॉक्स की शेप आई देखिए अब हमें क्या करना है ऊन को कट कर लेना है और ये जो हमारा लास्ट फंदा है इसमें से ऊन को निकाल के इसे जो है वो टाइट कर देना है यहाँ पर देखिए इतना ऊन ले लीजिए कि आपका सॉक्स पूरा सिल जाए तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से टाइट कर लीजिए अब हम जल्दी से निडिल पे ऊन को ले लेते हैं और उल्टा कर लेते हैं उल्टी तरफ से हम सिलेंगे अंदर की तरफ से यहाँ पर देखिए हमें ये सिलना है नीचे का पोर्शन और ये साइड वाला तो यहाँ से शुरू करेंगे अब हम सिलना तो इस तरीके से देखिए निडिल पे ऊन ले लेना है डाल लेना है उसके बाद ये देखिए पहला पहला फंदा जो है इसको हमें इस तरीके से पहले यहाँ पर एक टाइट कर देंगे हम पहले फंदे को यहाँ पर इस तरीके से देखिए जो लास्ट का एच वाले फंदे होते हैं लास्ट का जो एक एक फंदा होता है उसी में से आपको सिलना है पूरा तो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखिए ये वाला फंदा लेना है इधर से और फिर इधर वाला एक फंदा लेना है दोनों जो साइड है उनके एक एक फंदे को लेना है और इस तरीके से सिलते जाना है यहाँ पे देखिए ऐसे ऊन कट करके ये ऊन इस तरीके से निकाल के और यहाँ से फिर से हम सिलाई करेंगे अब देखिए फिर से हम आगे वाले फंदे की तरफ एक दोनों तरफ का एक एक फंदा ले लेंगे और फिर से ऊन खींच के और फिर पीछे वाले फंदे से ले जाते हुए निकाल देंगे निडिल को यहाँ पर फिर से एक फंदा ले लेंगे हम और फिर से हम पीछे वाले फंदे से इस तरीके से निकालते हुए और सिल लेंगे तो यहाँ पे हमें पूरा जो सॉक्स है वो इसी तरीके से सिल लेना है आपको लास्ट का एक एक फंदा लेना है और ऊपर से आप सिलना शुरू करेंगे तो नीचे यहाँ पर आके कंप्लीट होगा तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया ऊन कट कर दिया अब हम इसे सीधा करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये सॉक्स हमारा ये देखिए कितना प्यारा सॉक्स जो है हमारा वो रेडी हो गया ये देखिए बहुत जल्दी बन जाता है मुश्किल से दस मिनट लगते हैं इसे बनाने में यहाँ पर देखिए ये बहुत ही प्यारा बहुत ही जल्दी बनने वाला है और बिल्कुल बच्चे के पैर में फिट आता है यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारा जो शूज़ एक है तैयार हो गया अब हम इसी तरीके से दूसरा भी तैयार कर लेंगे और यहाँ पर देखिए कितना प्यारा कितना खूबसूरत बनकर आया है तो आप भी बना सकते हैं अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है तो आप उसके लिए ये बना सकते हैं यहाँ पर देखिए मैं दूसरा ही बना लेती हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों शूज़ बना लिए और ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं चुट छोटे छोटे से तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख के शूज़ बना सकते हैं बच्चों के जो मोजे बना बना सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया